तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं धनंजय कुमार आपका अपना YouTube चैनल भोजपुरी गंगा में स्वागत है। आज हम बातचीत करने वाले हैं क्यों शिल्पी राज को हटा दिया गया है इस गाने से, आज इसी के बारे में आप सभी को बहुत ही बड़ी खबर देने वाला हूं इस वीडियो में। हां तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे और जो लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। जैसे की आप सभी को पता ही होगा, आज रील पे इस गाने को गाए थे भोजपुरी के दबंग सुपर स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज। मगर भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का गाना आज रील पे इस गाने का एक और नया पोस्टर आया है, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। मगर इस पोस्टर पे लिखा है कि इस गाने को गाए हैं भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव और पलक पांडे ने। शिल्पी राज का आवाज क्यों हटाकर अब पलक पांडे का आवाज क्यों डाल दिया गया है, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है। शायद भी हो सकता है कि ये गाना शिल्पी राज लायक न हो, इसी वजह से पलक पांडे को रख दिया गया है इस गाने में, यानी गवा दिया गया है पलक पांडे से। हाँ तो दोस्तों, आप सभी को क्या कहना है कि इस गाने में शिल्पी राज का आवाज होना चाहिए था या पलक पांडे का, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ तो दोस्तों, आज की खबर यही कि इस गाने में शिल्पी राज का आवाज नहीं बल्कि पलक पांडे का आवाज होने वाला है इस गाने में। और कल इस वीडियो गाने का टीजर आ रहा है सुबह 11 बजे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के YouTube चैनल से। और दोस्तों, भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी का वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।